हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए थे मीनारे पाकिस्तान, जहाँ पे लगी है लकी वाली सर्कस, वहाँ पे हम आए थे बच्चों को लेके। आप लोगों को चले चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का व्यू, यहाँ की रौनकें और यहाँ का जो मंजर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उससे पहले फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें और शेयर भी करें। चले फ्रेंड, सबसे पहले हम इनके एंट्रेंस पे आए थे, एंट्रेंस स्टार्ट की थी, आगे से दरमियान में जाकर उन्होंने मिट के रखे जो है ना, उन्होंने लेकिन सर्कस का जो है ना अरेंजमेंट किया हुआ था। वहाँ पे झूले वगैरह थे, फैमिली बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा रश था। हमने बच्चों को देख लिया, बच्चे वहाँ पे अच्छा खासा खेले थे, बड़ा इंजॉय किया। लाइटिंग का इंतजाम बहुत अच्छा था, हर चीज़ इन्वायरमेंट सब बहुत खूबसूरत बना हुआ था। रौनक कितनी फैमिली आई हुई थी, बहुत ज़्यादा। हम जब एंट्रेंस पे आए थे तब बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन हम आ गए हैं अंदर। अंदर आए तो यहाँ पे खाने का इंतजाम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था, डेकोरेशन हुई थी, लाइटिंग बहुत ज़्यादा शानदार कमाल की हुई थी और बहुत ज़्यादा स्टॉल लगे थे। और ये मेरा बेटा लगा था, तो चले चलते हैं आगे और आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ से स्टार्ट हो गया लकी वाली सर्कस, यहाँ से उन्होंने काफ़ी चीज़ें थी प्रॉपर रूम पे जो थे, उन्होंने स्टॉल लगाए हुए थे और इन्वायरमेंट बहुत खूबसूरत बनाया हुआ था। हर जगह पर उन्होंने टिकिंग की हुई थी। और फिर था उसके बाद बच्चों को मैंने भूत बंगला भी दिखाया, उन्हें मैंने लकी वाली सर्कस के अंदर जो जानवर वगैरह अंदर मैंने उनको जानवर वगैरह दिखाए, अंदर उनकी जो उन्होंने स्टॉल लगाए थे बच्चों को वो दिखाए। फिर यहाँ पे स्पेशल ऊपर चढ़ के आए थे, स्पेशल यहाँ का मौसम कौन था कि वहाँ पर जाना पड़ता था। काफ़ी सालों बाद जो है ना
चल रहा था। चले आपको इसका भी थोड़ा सा शॉर्ट वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे लाइव कॉन्सर्ट चल रहा था और लाइव कॉन्सर्ट पे इतना रश था कि मैं बहुत दूर खड़ी थी क्योंकि मैंने रिकॉर्ड की, लेकिन इनका बाय फेस मैं आपको दिखा नहीं सकी। लेकिन ये बहुत मज़े का कॉन्सर्ट चल रहा था और काफ़ी देर तक काफ़ी घंटों से चल रहा था, लेकिन मैंने जो थोड़ा सा क्लिप उसमें ऐड किया क्योंकि बाद में मतलब हमसे पॉपुलर क्लिप हुआ था, इस वजह से भी मैंने ये छोटा सा क्लिप आप लोगों को दिखाने के लिए इसमें ऐड किया। ये लाइफ में सबसे हम फ्री हो गए थे, हम जा रहे हैं खाने के लिए। खाने के लिए हम आए हैं बोन फायर पे और हमारा खाना जो है वो रेडी हो गया। वह खाना आ चुका था क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा थक गई थी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की खाने की, तो फिर मैंने डायरेक्ट खाना को खाने के लिए आई। हमने बच्चों के लिए चिकन चाशनी पर फ्राइड राइस मंगवाया था, साथ मखनी हांडी थी, साथ बारबेक्यू में चिकन टिक्का था, साथ मलाई रोटी थी और जो है बीफ कबाब भी थी और ये रायता सलाद। चले अब बड़ी भूख लगी, पहले सबसे पहले खाने को इंजॉय कर लेते हैं फिर वापस आती हूँ। फ्रेंड्स आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें। जी फ्रेंड्स आप अब मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, आज का खाना आप लोगों ने देखा होगा और कौन कौन बुन फायर पर खाने के लिए आया हुआ हो, आप लोगों को बुन फायर का खाना पसंद है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो के साथ ही मुलाकात होगी, तब अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तब तक हम खाना खा लें। आप लोग मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर फॉलो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा मेकअप की वीडियोज़ देख रहा हूँ, इंशाल्लाह आप लोग उस पर भी अपना प्यार और ज़रूर दिखाइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ ही मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।